नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज दिनांक को सुबह सुबह लामता थाना के संगम घाट के शिव मंदिर में फंसे वृद्ध पुजारी तोपराम बोपचे की जान एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम द्वारा बचाया गया। बताया गया कि पुजारी तोपराम बोपचे कल सोमवार को सुबह बैनगंगा तट के शिव मंदिर में पूजा करने गया था। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ने से बैनगंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ जाने के कारण वृद्ध पुजारी मंदिर में फंसकर रात भर मंदिर में रह गया। आज सुबह ग्रामीणों द्वारा इस बात की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अपने बल एवं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर वृद्ध पुजारी की जान बचाई गई। पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम सुबह राघो टोला पहुंचकर बैनगंगा के संगम घाट में बढ़ते जलस्तर का जायजा लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 82 वर्षीय वृद्ध पुजारी तोपराम बोपचे को संगम घाट से सकुशल निकाला गया। लामता से प्रहलाद पारधी की रिपोर्ट। तो बैनगंगा तट पे कोई पुजारी पानी में फंसा हुआ था जिसकी रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया, ऐसी क्या घटना है? ये बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध से जो सिवनी जिले में पड़ता है वहाँ से पानी छोड़ा गया है। कल से हम मुनादी वगैरह कराए थे कि वहाँ नदी के किनारे पर कोई नहीं जाए। आज पता चला कि दिनांक 23/7/24 को कि लामता के राजीव टोला के तोप सिंह जी जो पुजारी का काम करते हैं गाँव के मंदिर में पूजा करने गए थे और सावन सोमवार होने की वजह से रात में वही रुक गए थे। सुबह जब वो देखते हैं कि मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर गया है, इस बात की तुरंत सूचना हमारे कंट्रोल रूम अपने पुलिस अधिकारियों को जब पता चला तो अपने पुलिस पार्टी और एसडीआरएफ टीम बालाघाट के सहयोग से रेस्क्यू करके तोप सिंह जी को बचा लिया गया है। अच्छा, और सर कितने फीट पानी रहा होगा वहाँ पे आसपास? वहाँ कम से कम 500 फीट तक पानी फंसा हुआ था। कितने बजे की घटना सर, ये सुबह आपको जो जानकारी लगी? ये सुबह हमें 6 बजे जानकारी लग गई थी। कितने बजे रेस्क्यू हो चुका था आपका? ये रेस्क्यू हुआ है 11 बजे के आसपास। और किसी को जनधनहानि हुई है सर? नहीं, इसके लिए हम नज़र लगाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं अपने थाना प्रभारी अपने ड्यूटी और मैं भी मौके पर हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पंचायती राज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।